धीरज भंडारी है और आज इस हम शेखर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हैं आपके टेबल पे जो छोटे छोटे पॉट्स पड़े रहते हैं जिसमें कि आपका सॉल्ट और पेपर रहता है उनको क्रूसेट भी हम लोग बोलते हैं जैसे कि मैंने आपको इस क्लास में पहले भी बताया। अब इनकी क्लीननेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकी साफ सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं पर ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपकी रेस्टोरेंट की क्लीनिंग, आपका खाना, आप लोगों की स्माइल और आपका फूड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एवरी वीक हर सप्ताह आपको इनको खाली करना है। जी हाँ, हर सप्ताह आप इनको खाली करेंगे, उसके बाद आप उनको वॉश करेंगे और क्लोजिंग ड्यूटी आपकी होगी, जो भी लास्ट में रहेगा उन सबको क्लीन करेगा। अब प्रेफरेबली सेपरेट ऑन नाइट, अब जो भी खाली होगी तीनों के को सेपरेट कर लेना है। टर्न देम अपसाइड डाउन टू ड्राई, जब यू हिलेशन एंड कस्टमर विल टेक इनटू एक्शन व्हेन आर चूजिंग अ होटल रेस्टोरेंट क्लीन। अब अगर आप देखेंगे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको इस बेसिस पे भी आपको रेटिंग्स देती हैं कि आपके रेस्टोरेंट कितना क्लीन है, आपका होटल कितना क्लीन है, पर वही आपका रेस्टोरेंट क्लीन नहीं है, आपका रेस्टोरेंट गंदा है, आप लोगों की किचन गंदे हैं, तो कोई भी वहां पे आना पसंद नहीं करेगा। हो सकता है कि वो एक बार आ जाए पर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो क्लीननेस आप बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपके बिजनेस को आगे और जाना है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट एंड पेपर शेकर। अब सॉल्ट एंड पेपर शेकर को हम लोग क्रूसेट भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे व्हाइट कलर के, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे तो बना नहीं है, हम लोग डमी वेटर भी बोलते हैं। अब ये डमी वेटर क्या है? डमी वेटर आप बोल सकते हैं एक सेल्फ होता है, एक फर्नीचर होता है जिसमें कि बहुत सारे सेल्फ हमारे लगे होते हैं। अब इस सेल्फ के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार की चीजें, हमारी कटलरी, क्रॉकरी, न्यूज पेपर, लिनन, ये सारी सारी चीजें डाल देते हैं और जब सर्विसेज पे स्टार्ट होती हैं इन सब चीजों को वहां पे भर के रख देते हैं और दिन भर उनका यूज करते हैं। एक तरीके से हमको बार 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 बाहर नहीं जाना पड़ता है कि भाई हमें ये कप चाहिए, ये प्लेट चाहिए, हमें क्रॉकरी चाहिए, न्यूज पेपर चाहिए। तो एक बार में सारा का सारा सामान अगर आप भर दे रहे हो तो पूरी की पूरी जो सर्विसेज है वो स्मूथली हमारी वहां पे काम करनी करती है। तो जब भी हमारे रेस्टोरेंट्स के जो टाइमिंग्स है उससे पहले हमारे जो डमी वेटर को या साइड बोर्ड को अच्छे से भर दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है कोल्ड वाटर जग विद अंडर प्लेट एंड नैपकिन टू कवर, हमारे पास वहां पे होने चाहिए। इसके बाद हमारे जो भी और प्रिपेरेटरी सॉसेस होती है जैसे कि हमारे वूस्टर सॉस, टबास्को, टोमेटो सॉस, मैगी सॉस, केचप, जेपी सॉस, एचपी सॉस, ये सारी सारी जो सीजनिंग या सॉसेज होती है जो कि हमको टेबल पे गेस्ट मांगता है फ्रेंच फ्राई के साथ, बर्गर के साथ, पिज्जा के साथ, पास्ता के साथ, इन सब चीजों को पहले से ही हम लोग अपनी जो डमी वेटर में या कप बोर्ड में साइड बोर्ड में रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो टूथपिक होल्डर होता है जिसके अंदर हमने टूथपिक डाल के रखी होती है, ये भी हमको अपने जो डमी वेटर के लिए चाहिए होता है। सुगर बाउल्स फॉर बोथ व्हाइट एंड ब्राउन सुगर विद टेबल स्पून फॉर ईच, ये भी हमें चाहिए होते हैं। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर के जो सैशेज आप लगा लीजिए या जो क्यूब्स हमारे लगा लीजिए वो भी हम लोग वहां पे रेडी करके रखते हैं। इसके बाद शुगर डिग्रेडर भी हमको वहां पे चाहिए होता है, हॉट प्लेट, अदर ऑर्डर टेकिंग प्लेट, ये सारी की सारी चीजें। हॉट प्लेट्स यहाँ पे हमारी छोटी छोटी प्लेट्स होती है जिसपे की हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं, कॉफी वगैरह। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट और सर्विसेज के बारे में। हम लोग होटल्स में काम करते हैं एज अ मल्टी क्यूजिन कुक, हम लोग काम करते हैं हेल्पर, हम लोग काम करते हैं जो डिलीवरी बॉयज, हम लोग काम करते हैं। तो हमें जो होटल के अंदर जो भी हिरारकीज हैं उनके बारे में मालूम होता है पर उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं उनके बारे में भी हमें मालूम चाहिए, उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी ड्यूटीज, उनकी जॉब्स क्या होती है, तो हम लोग कभी भी इस पूरे सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेस्टोरेंट एंड सर्विसेज के बारे में।